गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग और जय हिंद प्रिंस राज प्रदीप कुमार साधना भूपेश यादव लक्ष्य कुमार आर्य ऋग्वेद अनंत नैन वेरी गुड इवनिंग देव कुमार जय हिंद सभी को जय हिंद और वेरी गुड इवनिंग चलो जल्दी जल्दी आ जाओ सेशन को शेयर कर दो जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जल्दी फिर स्टार्ट करते हैं आपका सेशन बिना देर किए दिव्यांशु यादव वेरी गुड इवनिंग दिलीप द्विवेदी अमन कुमार नियम प्रिंस राज राज ठाकुर ये मनीषा कुमारी ग्रंथ पटेल मुकुल यादव जयश्री वाडेकर जिल हंस राय चलिए सभी को गुड इवनिंग भाई सभी को गुड इवनिंग राज ठाकुर तनिष कुमार अक्षय पांडे शिवम राज अर्षद प्रिंस राज रक्षित पुनिया सभी को जय हिंद और गुड इवनिंग जल्दी जल्दी शेयर कर दो सेशन को जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना देर के आपका नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम को आप जानते भी हो पहले से बहुत बार पढ़ भी चुके हो आप लोग कुछ बच्चे पुराने होंगे कुछ नए होंगे तो करेंगे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के दुष्यंत कुमार जी अभि यदुवंशी अमन कुमार नीतीश त्यागी मुदित बनेत चलिए सभी को गुड इवनिंग और जय हिंद पार्थ शर्मा वेदांत दान्या विनीत प्रिंस राज एम फाइन रियांशु चलो करते हैं स्टार्ट करते है चैप्टर स्टार्ट भाई आपका नंबर सिस्टम देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ठीक है यहाँ से चार से पांच क्वेश्चन बनते ही बनते हैं भाई और सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा है इसमें ठीक है चैप्टर आसान है मगर थोड़ा सा सब टॉपिक्स इसमें ज्यादा है एक बार एक बार देख लेते हैं भाई क्या क्या आपको पढ़ना है इसके अंदर तो देखो सबसे पहले बात करें नंबर सिस्टम की तो नंबर सिस्टम के अंदर आपको सबसे पहले देखो जानना है क्या इसके कुछ छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं वो पढ़ने क्या क्या है? एक बार वो देख लेते हैं हल्का सा इंट्रोडक्शन करेंगे जल्दी जल्दी और फिर क्वेश्चंस पर चलेंगे अपना ठीक है हल्का सा इंट्रोडक्शन करेंगे ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है ठीक है जी अभिनव पार्थ तनु काटियार हिमांशु जय हिंद और गुड इवनिंग चलिए कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई देखो बात करें नंबर सिस्टम की तो नंबर सिस्टम देखो सबसे पहले तो नंबर सिस्टम में आपको जानना है भाई दो चीज़ें होती हैं देखो एक तो होता है डिजिट और एक है आपका नंबर इन दोनों में अंतर क्या है भाई ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दोनों का डिफरेंस क्या है दोनों में अंतर क्या है डिजिट और नंबर सबसे पहले आपके सामने दो वर्ड लिखे हैं डिजिट और नंबर क्योंकि यहीं से इस चैप्टर डिफरेंस दे <coughs> क्या है जल्दी जल्दी जवाब दो डिजिट और नंबर देखो डिफरेंस क्या होगा इन दोनों के बीच डिजिट आपकी होती है मैथ्स में जैसे कि जीरो से लेकर नाइन तक ये सारी डिजिट्स हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन ये सारी क्या है भाई डिजिट्स है इन डिजिट्स की मदद से हम क्या बनाते हैं नंबर बनाते हैं जैसे कि वन डिजिट नंबर नहीं भाई संदीप वर्मा जी इग्नोर नहीं कर रहा ठीक है इग्नोर नहीं कर रहा देखो एक टाइम पे, पे बोर्ड पे ही देख सकता हूँ या कमेंट ही पढ़ सकता हूँ ठीक है तो ऐसा मत समझना कि इग्नोर किया किसी को इग्नोर नहीं किया किसी को भी डिजिट आपके पास जीरो से लेकर नाइन तक है यही डिजिट है इनसे ही नंबर बनते हैं इन सारी डिजिट से ठीक है अब नंबर आपका भाई वो वन डिजिट हो सकता है जैसे कि टू भाई कोई टू डिजिट हो सकता है जैसे ट्वेंटी नाइन थ्री डिजिट हो सकता है जैसे थ्री नाइन्टी नाइन ऐसे ही फोर डिजिट हो जैसे डबल नाइन और डबल नाइन ठीक है ये आपके नंबर हैं ठीक है ठीके? और ये आपके डिजिट्स हैं दोनों में डिफरेंस समझ गए भाई नंबर क्या है और डिजिट क्या है ठीक है जी वैसे ये सब जानते होंगे आप लोग अब यहीं से एक सवाल बनता है भाई ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का वो सभी आप लोग जानते भी होंगे ठीक है अगर जानते हो तो एक बार जल्दी चलो करके बता दो क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन सामने है फाइंड फाइंड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स होंगे आपकी फाइव एट जीरो या फिर नाइन कर लो और सिक्स और टू ये आपके सामने डिजिट है

स्पेसिफाई नहीं है कुछ दोनों में ही हेल्प करेगा आपकी जी सूर्य सिंह जी जय हिंद मनीष सिंह यादव भाई देखो डिजिट नहीं लिखा है कितने डिजिट बनाना है आपके सामने डिजिट है इन डिजिट का यूज करके बनाना है बनाइए जल्दी जल्दी जवाब आपका आने लगे भाई बहुत अच्छे चलो सभी के जवाब आ रहे भाई नाम नहीं ले पाऊंगा एक एक बच्चे का ठीक है क्योंकि टाइम कम है एक ही घंटा है हमारे पास बिल्कुल सही एक बार अपना आंसर चेक कर लो भाई देखो आंसर क्या होगा आंसर हो जाएगा आपका देखो सॉल्यूशन देखना इसका सॉल्यूशन क्या होगा सॉल्यूशन देखो भाई सॉल्यूशन जब आप बनाओगे ग्रेटेस्ट तो सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट रखोगे नाइन फिर उससे छोटी एट फिर इससे छोटी फिर इससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी ये बड़ा नंबर हो गया सबसे छोटा क्या हो गया यहाँ आ जाएगा भाई सबसे छोटा टू ठीक है इसके बाद फिर इससे बड़ा नंबर फाइव फिर सिक्स फिर एट और फिर नाइन और फिर सभी को कर दोगे क्या प्लस कर दोगे क्योंकि सम पूछ रहे हैं ध्यान से देखो सम कह रहा है यानी कि ऐड करना पड़ेगा आपको लास्ट में ऐड आप कर दो दो दोनों को भाई <coughs> तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइन टू इलेवन फोर थ्री फोर और ये ट्वेल्व वन टू फोर थ्री फोर वन बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है आप लोगों का अभी ये सही जवाब है ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है भाई नंबर सिस्टम का सबसे बेसिक और सबसे शुरुआत का क्वेश्चन अब एग्जामिनर के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है भाई सुनो देखो एग्जामिनर के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है वो क्या कर सकता है वो इस सम की जगह या तो डिफरेंस डाल देगा डिफरेंस फाइंड कर दो या फिर प्रोडक्ट डाल देगा कि प्रोडक्ट फाइंड कर दो इन डिजिट की जगह डिजिट चेंज कर देगा ये ऑप्शन है एग्जामिनर के पास डिजिट को चेंज कर देगा और यहाँ पर एक हल्की सी कंडीशन डाल देगा कंडीशन क्या हो जाएगी फाइव डिजिट और या फिर यहाँ डाल देगा फोर डिजिट ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट या फिर फोर डिजिट ज़्यादा ऑप्शन नहीं है बस इसी तरीके से चेंज कर सकता है ठीक है इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी नंबर सिस्टम का बिल्कुल बेसिक सा पार्ट नंबर और डिजिट चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगला इस चैप्टर के अंदर देखो अगला टॉपिक आता है भाई आपका कुछ डेफिनेशन होती है सबसे पहले तो नंबर को ही जान लेते हैं नंबर क्या क्या है नंबर देखो मैथ्स में दो तरीके के नंबर होते हैं भाई पहला तो है आपका कैसा पहला नंबर होता है रियल नंबर्स ठीक है रियल और इमेजिनरी ये भी जान लेते हैं नॉलेज के लिए ठीक है पता होना चाहिए आपको कभी कभी डेफिनेशन से नंबर आ जाता है सॉरी क्वेश्चन आ जाता है रियल और इमेजिनरी दो तरीके के नंबर होते हैं जानते होंगे आप लोग अमन राहुल जी जय हिंद आदित्य मेहता मुकुल एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं हल्की हल्की सी डेफिनेशन ठीक है नंबर दो ही तरह के होते हैं एक रियल और एक इमेजिनरी ठीक है रियल ये रियल को आप ऐसा लिख सकते हो अगर आप लिखना चाह रहे हो ऐसे नंबर भाई वो नंबर्स जिनको नंबर लाइन पर बनाया जा सके ठीक है नंबर्स नंबर्स दैट कैन बी दैट कैन बी पॉइंट पॉइंट आउट ऑन नंबर लाइन जिनको नंबर लाइन पर डाला जा सके ठीक है अब नंबर लाइन पर कौन कौन डाला जा सकता है आप सभी को पता है नंबर लाइन की बात करूँ तो नेचुरल नंबर भी नंबर लाइन पर आएगा होल नंबर भी होगा इन भी होंगे रेशनल नंबर भी नंबर लाइन पर आ जाते हैं ठीक है जी <coughs> समझ रहे हो ये बात रियल नंबर क्या क्या होंगे जो नंबर लाइन पर आ सकते हैं इमेजनरी नंबर क्या होंगे इमेजनरी ये वर्ड आप इसको आप समझ सकते हो काल्पनिक ठीक है ऐसे नंबर जिनकी बस कल्पना की जा सकती है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते जो सच में नहीं होते पर मान के चलते हैं अब ये कैसे होते हैं भाई या फिर इसकी डेफिनेशन आप बनाओगे तो लिख लेना नंबर विद नेगेटिव साइन इन रूट भाई ऐसे नंबर जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन रखते हो एग्जांपल के लिए माइनस रूट थ्री ये क्या इमेजिनरी है भाई ठीक है ये इमेजनरी नंबर है ठीक है जी <coughs> अब बात करें यहाँ पर बात करते हैं वापस रियल नंबर्स की जो हमारे काम के हैं और जो एग्जाम में आते हैं भाई सबसे पहला रियल नंबर क्या होगा भाई नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर सभी को पता है क्या होते हैं नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर भाई जो नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो आपके क्या है नेचुरल नंबर हैं सारे काउंटिंग नंबर्स एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल वन टू थ्री अप टू टू प्लस इंफिनिटी ये क्या है आपके सारे नेचुरल नंबर है ठीक है हाँ बिल्कुल भाई जब भी टाइम मिले बीच बीच में समय मिले जब भी आपको लाइक भी करना है वीडियो को ठीक है लाइक भी बढ़ाते रहना बीच बीच में बाकी तैयारी हम कर ही रहे ठीक है तनुज धीमान जी वेरी गुड इवनिंग तनुज सभी को एक बार फिर गुड इवनिंग ये नेचुरल नंबर है काउंटिंग नंबर इसके बाद दूसरी डेफिनेशन होती है होल नंबर्स की अब ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं है नेचुरल नंबर से होल नंबर्स में क्या होता है बस एक जीरो एक्स्ट्रा एक आ जाती है भाई जीरो विद नेचुरल नंबर ये आपके होल नंबर्स हो जाएंगे जीरो वन टू थ्री फोर अप टू अप टू प्लस इन्फिनिटी ठीक है कोई दिक्कत है इसमें दिव्यांगशु बासु जी अच्छा ठीक है जी ओके मिस्टर बासु ये होल नंबर्स हो गए आपके होल नंबर्स के बाद नेक्स्ट आपका आता है भाई इंटीजर्स इंटीजर्स क्या होंगे इंटीजर्स आपके हो जाते हैं भाई क्या नेगेटिव नंबर नेगेटिव नंबर जीरो और पॉजिटिव नंबर्स ये आपके क्या कहलाते हैं तीनों मिलके ये तीनों मिलके कहलाते हैं जी इंटीजर अब ये इंटीजर्स हैं याद रहेगी ये बात नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर ये बात याद रहेगी सभी को तीनों में क्या क्या अंतर है ये भी याद रहेगा सभी को चलो जी बहुत अच्छे अच्छा पेन का कलर चेंज करना बिल्कुल जी कलर चेंज कर लेंगे ठीक है बिल्कुल ज़रूर चलो इतना कुछ हो गया तो अब इसके बाद एक और नंबर होते हैं भाई उनको और जान लेते हैं नेक्स्ट <coughs> होगा आपका देखो एक आ जाते हैं इंटीजस आपका हो गया इंटीजस के बाद अलग टाइप का आपका नंबर होगा भाई देखो ये हो जाएंगे रेशनल नंबर्स इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और एक हाँ आपका, है आपका इरेशनल नंबर ये रियल नंबर्स में ही आते हैं ध्यान रखना रियल नंबर से पढ़ रहे हैं ठीक है ये रियल नंबर से पढ़ रहे हैं दो तरीके के नंबर हैं ये रियली really ही है रेशनल और इरेशनल अब ये क्या है भाई नंबर इनकी भी डेफिनेशन जान लेते हैं जल्दी जल्दी क्या होगी क्या दोनों का मतलब है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर चलिए तरुण लामा जी भाई वेरी गुड इवनिंग तरुण बिल्कुल जी सुनील कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हो जिसको पी पाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके वो क्या है आपका वो है जी आपका रेशनल नंबर ठीक है नंबर्स दैट कैन बी रिटर्न इन पी बाई क्यू फॉर्म नंबर्स दैट कैन बी रिटर्न इन दैट कैन बी रिटर्न इन पी बाय क्यू फॉर्म ये क्या होंगे आपके रेशनल नंबर होंगे जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके ठीक है अब इरेशनल क्या होंगे भाई जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके ठीक है नंबर्स नंबर्स दैट कैन नॉट बी कैन नॉट बी रिटर्न इन रिटर्न इन पी बाई क्यू फॉर्म ये क्या है आपके इरेशनल नंबर है ये सारे रियल नंबर है मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ आपसे रियल नंबर ही चल रहे हैं ठीक है थीके? इमेजनरी नंबर बस हमारे पास एक ही है वो क्या है जिसमें नेगेटिव आ जाता है ठीक है रेडिकल साइन के अंदर ये सारा कुछ क्या चल रहा है रियल ही चल रहे हैं ठीक है थीके? अब इरेशनल नंबर भी भाई यहाँ से दो टाइप के हो जाते हैं ठीक है थीके? इरेशनल नंबर भी दो टाइप के आपके हो जाएंगे देखो पहला टाइप आपका हो जाएगा यहाँ से अगर देखें फर्स्ट टाइप आपका होगा इेशनल नंबर भी दो तरीके होते हैं एक तो होते हैं आपके कैसे रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल या फिर आप टर्मिनेटिंग बोल सकते हो या नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हो दो वर्ड होते हैं रिपीटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग लिख लो तो ज्यादा ठीक है टर्मिनेटिंग तो वह वैसा हो जाएगा भाई रीअरिंग डेसिमल ये प्रॉपर वर्ड होगा रीअरिंग डेसिमल रियकरिंग डेसिमल और एक आपका होता है जी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये बस नॉलेज के लिए याद रखना इनके बारे में ज्यादा डीप नहीं जाना है बस नॉलेज के लिए ध्यान रखना है क्योंकि कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है डेफिनेशन के रूप में ठीक है रीअकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग ये दो क्या होते हैं भाई <kuh> <kuh> देखो रियकरिंग डेसिमल वो होता है जो डेसिमल के बाद रिपीट होता रहे जो डेसिमल के बाद रिपीट होता रहे एग्जाम्पल जैसे कि आपने कहीं लिखा देखा हो जीरो पॉइंट थ्री और थ्री के ऊपर बार लगा देते हैं ये क्या होता है ये होता है जीरो पॉइंट थ्री 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 थ्री, थ्री यानी कि डिवाइड ही नहीं होगा ठीक है इसी को रेशनल नंबर बोलते हैं जो डेसिमल के बाद डिवाइड ही ना हो डेसिमल के बाद जो डिवाइड ना हो वही क्या होगा जी आपका इरेशनल नंबर होगा कंप्लीटली डिवाइड ना होता हो कहने के मतलब ये है <coughs> ये आपका रीअगरिंग डेसिमल है ठीक है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं भाई जो खत्म ही ना होते हो जो रिपीट ना हो रहे हो एग्जाम्पल के लिए सबसे बेटर एग्जाम्पल है भाई आपका जैसे कि रोड टू ये वन पॉइंट फोर वन वन पॉइंट फोर वन करके ऐसे चलता रहेगा भाई जितने भी अंडर रूट होते हैं वो सारे क्या है सारे आपके नॉन टर्मिनेटिंग है कभी ना ख़त्म होने वाले रूट थ्री ये भी क्या है कभी ना ख़त्म होने वाला सेवन थ्री टू डिवाइड करते जाओ करते जाओ रूट फाइव ये भी क्या है और इसी तरीके से पाई भी क्या है एक नॉन टर्मिनेटिंग है ना ख़त्म होने वाला ठीक है ये भी क्या है एक इरेशनल नंबर है पाई इज आल्सो आ रेशनल नंबर इसकी वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स ऐसे करते जाओ ठीक है याद रहेंगी ये बात ये बस आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए डेफिनेशन के तौर पे, ठीक है इंटीजर्स आपका हो गया रेशनल नंबर इरेशनल आपका हो गया अब आ जाते हैं भाई सीधा प्राइम पर ठीक है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ठीक है अरे मानविंदर दैया जी दैया जी आप ही हो क्या लक्ष्मण दैया के की नाम आई की से मानविंदर मानू ये याद रहेंगी सभी को ये बात ये छोटी छोटी सी बातें डेफिनेशन के रूप में पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर ठीक है डेफिनेशन के रूप में पूछ लेता है इनको भाई रूट फोर तो टू हो जाएगा चिन्मय रंजन प्रधान रूट फोर तो टू हो जाएगा आपका अब बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं चलो दोबारा सुन लो दोबारा सुन लो अंश पांडे जी बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं रिपीट कर रहा हूँ सुनो जी बायस जी जी देखो याशनल नंबर इरेशनल नंबर जो पी बाई क्यू में फॉर्म में लिखा जा सके वो रेशनल है भाई ठीक है जैसे कि आपका क्या हो जाएगा वन बाई थ्री बाई वन बाई थ्री क्या है यही तो है पॉइंट थ्री 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 ये क्या है रेशनल नंबर इरेशनल क्या होगा जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा ना जा सके यानी कि जो डेसिमल के बाद डिवाइड ना होता हो ठीक है जी ये हो जाएंगे आपके नॉन रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों इरेशनल है भाई <coughs> याद रहेगी ये बात हाँ इंटीजर्स को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई अरे इंटीजर्स देखो नंबर्स आ गया तो एक ही बात होगी भाई इंटीजर्स और ये एक ही तो बात होगी चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर्स भाई ठीक है अगला टॉपिक आपका प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स की भाई बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय और इट्स यानी कि जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो एक वन और एक वो नंबर अपने आप वो क्या होगा भाई आपका प्राइम नंबर होगा ठीक है डेफिनेशन आपकी हो जाएगी नंबर्स नंबर्स विच हैव ऑनली टू फैक्टर ओनली टू फैक्टर दो फैक्टर होंगे एक तो वन और एक नंबर इट सेल्फ एक वो खुद ठीक है एक वन और एक इट सेल्फ ये आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे भाई ठीक है प्राइम नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है प्राइम नंबर आपके टू से स्टार्ट होंगे सबसे पहला सबसे छोटा स्मोलेस्ट आप इसको बोल दोगे और आप इसको इवन प्राइम भी बोल दोगे स्मॉलेस्ट और इवन प्राइम ठीक है फिर आपका थ्री फाइव सेवन इस तरीके से चलते जाओ ये आपका हो जाएगा इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन अप टू अपू हंड्रेड तो तक आपको ध्यान रखने है, ये याद करने है हंड्रेड तक ठीक है हंड्रेड तक आपको ये याद रखने हैं प्राइम नंबर्स ठीक है प्राइम नंबर एक से लेकर सो तक आप सभी को याद रखने हैं अब इसके कुछ फैक्ट हैं दो वे फैक्ट आपको लिख रहा हूं ठीक है लिख लेना अपनी नोटबुक में ठीक है प्राइम नंबर से लेकर सो तक एक से लेकर सो तक कितने प्राइम नंबर्स होंगे भाई टोटल आ जाएंगे पच्चीस टोटल ट्वेंटी फाइव प्राइम नंबर्स होंगे एक से लेकर सो तक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम वन टू हंड्रेड एक से लेकर सो के बीच कितने प्राइम नंबर है आंसर क्या हो जाएगा पच्चीस है भाई ठीक है टोटल आपके क्या है जी ट्वेंटी फाइव है देखो ट्वेंटी टू बाई सेवन वो उसकी सिमिलर वैल्यू ली गई है अनुज यादव जी ट्वेंटी टू बाई सेवन इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती ठीक है जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे इससे इसके बाद नाइन्थ और टेंथ में आप पता करोगे कि आप पढ़ोगे पाई जो है एक क्या है इरेशनल नंबर है ट्वेंटी टू बाई सेवन इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई वो सिमिलर मानी जाती है इसके किसी के मिल को आस पास मिलता जुलता है ठीक है दूसरा फैक्ट लिख लेना भाई एक से लेकर पचास तक कितने होंगे एक से लेकर पचास तक होंगे टोटल पंद्रह और पचास से लेकर सौ तक होंगे आपके कितने जी टोटल दस ये प्राइम नंबर के कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए भाई ठीक है जी ये याद रखना ये बात एक से लेकर सौ तक टोटल पच्चीस एक से लेकर पचास तक टोटल पंद्रह और पचास से लेकर 100 तक टोटल दस हिमांशु नए हो भाई चलिए जी हिमांशु जी बिल्कुल हिमांशु जी समझ आ रहा है आपको जितना आपने पढ़ा अभी तक समझ आया वो पुष्पेंद्र <coughs> भदौरिया जी बिल्कुल कंपोजिट भी इसके बाद की डेफिनेशन है अगला आपका कंपोजिट होगा अरे सेशन को भाई लाइक भी कर दिया करो बीच बीच में ठीक है बार बार क्यों बोलवाते हो मुझसे मुझे ये बोलना वैसे ही अच्छा नहीं लगता भाई खुद ही कर दिया करो कुछ काम तो डेली आठ बजे आपकी क्लास लगेगी भाई अमन राहुल जी डेली आठ बजे आपकी ठीक है रौनक नेगी जी क्या कह रहे हो क्या कहना चाह रहे हो ओके द्विवेदी जी नए हो ठीक है अमन यादव जी ओके okay, ध्यान रहेगी बात ये चलो ये थे आपके भाई प्राइम नंबर्स ये फैक्ट है कुछ ध्यान रखना कि एक से लेकर सौ तक पच्चीस एक से पचास तक पंद्रह पचास से लेकर सौ तक दस है ये बात याद रखना ठीक है अब प्राइम नंबर आपने पढ़ लिया तो भाई अगला आपको पता होना चाहिए कंपोजिट क्या होंगे भाई कंपोजिट क्या होते हैं कंपोजिट क्या होंगे भाई ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो या फिर आप बोल सकते हो एक वर्ड है एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स एक और वर्ड है वो लिख सकते हो आप इंग्लिश आप लोग पढ़ते हो नंबर विच हैव है थ्री फैक्टर्स कम से कम तीन फैक्टर हो भाई या फिर आप बोल सकते हो दो से ज्यादा या फिर कम से कम तीन ओके अर्जुन सेबे ठीक है अर्जुन भाई कोई रूटीन चेंज नहीं है प्रिंस राज जी मैं आपको डेली आठ बजे मिलूंगा ठीक है डेली आठ बजे मिलूंगा या तो यहाँ पढ़ाऊंगा या फिर क्वेश्चंस कराऊंगा ठीक है डेली आपको आठ से नौ मेरे साथ रहना है तो या तो आप पढ़ेंगे या फिर क्वेश्चन करेंगे मोर देन टू फैक्टर बोल दो या फिर एटलीस्ट तीन फैक्टर बोल दो कम से कम तीन होने जरूरी हैं ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं मोर देन टू भी आप लिख सकते हो और मोर देन टू मोर देन टू फैक्टर्स अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल भाई जरा बताना जरा बताना एक बार स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताना जरा एक बार कमेंट करके स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अच्छा गलत लिख दिया क्या अरे टी नहीं बनाया ठीक है लो अंडरस्टूड थी ये तो बात डबल एल बना दिया तो एटलीस्ट बना दिया एलो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बिल्कुल सही भाई समझ गया आप लोग चार होगा ठीक है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर फोर ठीक है इसके बाद भाई सिक्स कहने का मतलब है भाई जितने प्राइम नंबर है उनको हटा दो बाकी सारे कंपोजिट है ठीक है जितने भी क्या है आपके प्राइम नंबर है उनको हटा दो जो बाकी बचे वो कंपोजिट कॉमन सेंस की बात है सीधी सीधी ठीक है भाई टोटल आपके जितने भी नंबर्स होते हैं उनमें से क्या करो उनमें से हटा दो किसको प्राइम नंबर्स को बचे क्या कंपोजिट बचे <coughs> <coughs> कंपोजिट ध्यान रहेगा भाई ये एग्जाम्पल बढ़ा लेना कंपोजिट के बाद भाई दो नंबर होते हैं वो भी आपको ध्यान रखने सबसे पहला है आपका क्या ट्विन प्राइम और एक होता है आपका को प्राइम यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ट्विन प्राइम और को प्राइम <coughs> प्राइम और को प्राइम जल्दी जल्दी देख लो भाई ट्विन प्राइम क्या होंगे ऐसे दो पेयर ठीक है पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए, चाहिए कंडीशन है पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विद अ गैप ऑफ टू विद अ गैप ऑफ टू जिनके बीच दो का गैप हो एग्जाम्पल के लिए फाइव सेवन इलेवन कोमा थर्टीन ये सब क्या है ट्विन प्राइम है भाई इनके बीच का गैप कितना है दो का गैप है ठीक है को प्राइम क्या होंगे को प्राइम की और ट्विन प्राइम की डेफिनेशन में अंतर ये है भाई यहाँ पे आएगा पेयर ऑफ नंबर्स पेयर ऑफ नंबर्स ऐसे दो नंबर्स का जोड़ा जरूरी नहीं प्राइम हो ठीक है हिमांक शर्मा ओके हिमांक हिमांक जी ठीक है प्रभाकर पटेल जी नहीं भाई मैं आपको शायद नहीं जानता शायद फेस जानता हूँ वो पता नहीं भाई ठीक है तो पेयर ऑफ नंबर्स वहां ऊपर प्राइम नंबर था देखो दोनों डेफिनेशन में अंतर समझ लेना क्या है ऊपर प्राइम नंबर्स था और नीचे है प्राइम ये नीचे खाली नंबर मन फैक्टर एच सी एफ वन भाई ऐसे दो नंबर का जोड़ा जिनका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर वन आता हो वो आपका क्या हो जाएगा को प्राइम हो जाएगा भाई ठीक है यह आपका क्या हो जाएगा को प्राइम हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए भाई थ्री और फोर ये क्या है भाई को प्राइम हो गए देखो फोर प्राइम नहीं है फोर इज नॉट अ प्राइम नंबर कंपोजिट है पर इन दोनों का जोड़ा क्या होगा को प्राइम कहा जाएगा क्यों क्योंकि दोनों का एच क्या आता है वन आता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर वन आता है जी शरीफ जोसफ जी क्या कह रहे हो अमरावती में हो जाएगा दो नंबर पर हो जाएगा भाई हो जाएगा देखो जोसफ जी शरीफ जोसफ जी हो जाएगा भाई जरूर हो जाएगा होना चाहिए भाई मार्क्स तो आपके अच्छे हो जाना चाहिए ठीक है ध्यान रहेगी भाई ट्विन प्राइम को प्राइम ये बात याद रहेगी कोई दिक्कत है इतनी डेफिनेशन में तो जो जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है ध्यान रखना डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बन जाता है भाई ठीक है इसके बाद एक और आपका बनेगा भाई एक और डेफिनेशन आएगी परफेक्ट नंबर ये भी ध्यान रख लेना कभी कभी पूछ लेता है ये क्या है जी परफेक्ट नंबर परफेक्ट नंबर क्या होता है भाई एक ऐसा नंबर एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स का सम डबल आ जाए ठीक है जिसके फैक्टर्स का सम डबल आ जाए उसी नंबर का वो क्या होगा आपका देखो देव शर्मा जी बस ये आपको ध्यान रखना है भाई टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नॉन याद रखने है। बस डेफिनेशन के तौर पर ये ज्यादा डीप नहीं पढ़ने हमको ठीक है हाँ बिल्कुल जी रंजन प्रधान ऑल ट्विन चिन्मयर प्रधानाइम ये भी बात सही कही आपने सच बोला आपने बिल्कुल अमन राहुल जी बिल्कुल राम राम जी आपको भी क्वेश्चन अब करेंगे दिव्यांशु बासु लास्ट थर्टी मिनट्स क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल अब करते हैं क्वेश्चन परफेक्ट नंबर आपका हो जाएगा भाई देखो नंबर नंबर फैक्टर्स फैक्टर्स सम इज ट्वाइस ऑफ दैट नंबर ट्वाइस ऑफ दैट नंबर वो नंबर क्या कहलाएगा भाई आपका परफेक्ट नंबर कहला जाएगा एग्जांपल के लिए एग्जाम्पल के लिए सिक्स और दूसरा हो जाएगा ट्वेंटी एट और भी बहुत नंबर होंगे ठीक है बस ये ध्यान रखना भाई सिक्स के सारे फैक्टर निकाल लेना सिक्स के सारे फैक्टर निकालना फैक्टर हो जाएगा वन टू थ्री और सिक्स इन सभी का सम कर देना सम कितना आ रहा होगा ट्वेल्व ये ट्वेल्व जो है सिक्स का डबल है इसीलिए ये क्या है एक परफेक्ट नंबर है ठीक है तो देखो अब तक जितनी भी डेफिनेशंस की वो आप समझ ही गए होंगे ये नंबर सिस्टम का हल्का सा वो चल रहा है भाई हल्का सा वो था इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का तो नंबर सिस्टम के अंदर आपने अभी ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट कर लिया प्राइम नंबर आपने सीख लिया को प्राइम आप लोगों ने सीख लिया तो चलिए करते हैं अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं एम कुछ ठीक है तो चलो पहला एम आपके सामने है भाई पहला एम है आपका लो जी ये डिजिट के ऊपर बेस्ड है डिजिट के ऊपर बेस्ड है आपका भाई डिजिट आपने पढ़ी है ना अभी अंक संख्याएं हाउ मैनी टाइम्स डज द डिजिट नाइन अकर बिटवीन वन टू हंड्रेड एक से लेकर सौ के बीच डिजिट नाइन कितनी बार आएगी पहला सवाल आपके सामने बेस्ट बुक मानस मिश्रा जी फोर क्लास सेवन्थ एग्जाम सेवंथ का एग्जाम तो भाई देखो आपका सैनिक स्कूल लखनऊ का होता है भाई ठीक है दो तीन प्रकाशन से है जैसे कि अरिहंत ले लो या फिर आप उपकार प्रकाशन से ले लो आर गुप्ता ले लो या फिर आर गुप्ता ले लो तो ज्यादा ठीक है उसमें क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर क्या दे रहे हो डी इलेवन टाइम्स कुछ ने कहा डी कुछ ने कहा ए ज्यादातर डी कह रहे हैं भाई बहुत अच्छे डी करेक्ट होगा शायद देखते हैं कितने होंगे देखो क्वेश्चन कह रहा है कितनी बार डिजिट नाइन आई है एक से लेकर के बीच एक से लेकर सौ के बीच तो देखो सबसे पहले नाइन आएगा ठीक है यहाँ नाइन आया है भाई फिर नाइनटीन में आएगा ट्वेंटी नाइन में आएगा थर्टी नाइन में आएगा फोर्टी नाइन में आएगा ठीक है फिफ्टी नाइन सिक्सटी नाइन सेवेंटी नाइन एटी नाइन यहाँ तक सब में नाइन आ रहे हैं भाई इसके अलावा तो कहीं नाइन नहीं है अब वापस देखो भाई नाइन्टी में भी नाइन है नाइन्टी वन में भी नाइन है ठीक है सुनना नाइन्टी में भी तो नाइन का इस्तेमाल हो रहा है नाइन्टी वन में भी तो नाइन का यूज हुआ नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर में भी है नाइन्टी फाइव में भी है नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट और नाइन्टी नाइन में दो बार है ध्यान रखना नाइन्टी नाइन में दो बार अब इसको काउंट कर लो भाई कर लो जी काउंट एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस और बीस टोटल हो जाता है भाई ट्वेंटी टाइम्स ध्यान रहेगी ये बात टोटल ट्वेंटी टाइम्स कैसे आया सभी को याद रहेगा ये क्वेश्चन याद रहेगा ये वाला क्वेश्चन भाई डिजिट के ऊपर क्वेश्चन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डिजिट और नंबर उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है डिजिट और नंबर आपको पढ़ाया था अभी परफेक्ट नंबर नहीं आया चलो दोबारा सुन लो हिमांशु जी दोबारा सुनिए परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर होता है भाई अगर किसी नंबर के फैक्टर्स का सम डबल आ जाए ठीक है अगर किसी नंबर के फैक्टर्स का सम डबल आ जाए तो वो नंबर परफेक्ट नंबर होता है अब ये फैक्टर और मल्टीपल ये आप सीखोगे एलसीएम और एच में ठीक है तो सुजानपुर आ रहे हो जाएगा भाई हो जाएगा ठीक है क्लियर है क्वेश्चन अब इसी के ऊपर लो चलो एक और क्वेश्चन करके बता दो लो चलो इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ भाई इसी को चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को इसी को बदल दो क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क में लिख रहा हूँ चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख रहा हूँ लिख लेना होमवर्क में क्वेश्चन लिख लेना कर लेना इसको फिर जब भी आपको टाइम मिले घर पर हाउ मेनी टाइम्स इसी के जैसा है मिलता जुलता हाउ मैनी टाइम्स डज डज द डिजिट टू फिफ्टी एक से लेकर पचास के बीच डिजिट चार कितनी बार आएगी क्या कह रहे हो जी क्लास सिक्स हर्षिता रेशनल प्लीज अरे रेशनल तो बड़ा इजी है भाई जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके हिमांशु नहीं आया चलो दोबारा फिर सुनो हिमांशु सुनना दोबारा देखो स्क्रीन पर देखो हिमांशु एक नंबर है सिक्स इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे फैक्टर्स यानी कि ऐसे नंबर जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे ठीक है एक तो फैक्टर होगा इसका वन दूसरा होगा टू तीसरा होगा थ्री और चौथा फैक्टर हो गया सिक्स खुद देखो वन से भी सिक्स डिवाइड हो जाएगा टू से भी थ्री से भी और सिक्स से भी हो गया डिवाइड अब इनका सम कर दो मिस्टर हिमांशु जी वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सिक्स ये क्या आ गया ट्वेल्व आ गया अब भाई देखो सिक्स और ट्वेल्व भाई ट्वेल्व डबल है कि नहीं है 6 का तो एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर का सम डबल आ जाए वो क्या होगा परफेक्ट होगा <coughs> ये भाई आपका एच डब्लू में इसको कर लेना अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट है आपके सामने अगला क्वेश्चन लीजिए रोमन नंबर से क्वेश्चन है एक कर देना जल्दी जल्दी रोमन नंबर्स का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स आर नेवर रिपीटेड कौन से सिंबल रिपीट नहीं होते भाई जिसको रोमन नंबर्स का नॉलेज है वो आसानी से इसको कर देगा

मिल जाएगा टेलीग्राम पे मिल जाएगा वैसे चलो सी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही भाई देखो कौन कौन सा सिंबल रिपीट नहीं होता रोमन नंबर्स में वी एल और डी यानी कि ऑप्शन सी ये कभी रिपीट नहीं होते भाई देखो वी यानी कि ये पांच है एल ये आपका है कौन सा भाई पचास और डी ये है आपका पाँच सौ फाइव हंड्रेड ये कभी रिपीट नहीं होते ठीक है अब यहीं से एक और क्वेश्चन बन जाता है विच ऑफ द सिंबल्स आर रिपीटेड कौन कौन से सिंबल रिपीट होंगे चलो बताना एक बार लिख के कमेंट बॉक्स में देखे कितने बच्चे मेंटली प्रेजेंट है विच ऑफ द सिंबल्स आर रिपीटेड इन द रोमन नमरल्स या फिर आप कह सकते हो भाई कौन कौन से सिंबल रिपीट होते हैं बताना ज़रा जल्दी एक बार कमेंट करके जल्दी शेड्यूल शेयर किया नहीं अरे अरे शेड्यूल बताया तो था मैंने आठ बजे डेली मिलूंगा आपसे कौन कौन से सिंबल रिपीट होंगे ये पूछ रहा हूँ सारे सिंबल बताने भाई सारे हाँ बिल्कुल देखो कौन कौन से सिंबल रिपीट होते हैं बिल्कुल सही जवाब भाई ये तो है भाई जो रिपीट नहीं होते ये तो है नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं होते अब इसी का उल्टा सवाल बन जाता है रिपीट क्या होते हैं भाई तो रिपीट देखो क्या होगा एक आई रिपीट हो जाता है ठीक है जिसकी वैल्यू वन होगी I के बाद आपका हो जाएगा X <coughs> X के बाद आपका C और C के बाद M आपका यानी कि थाउजेंड ये वन है ये आपका टेन है ये आपका क्या है हंड्रेड है और ये आपका थाउजेंड है भाई ये रिपीट होते हैं वो रिपीट नहीं होते ठीक है ठीके? याद रहेगी बात चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला सवाल है भाई आपके सामने लीजिए कौन सा इलेवन से डिविजिबल है बताओ जल्दी करके एक बार विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 11 इसके लिए आपको इलेवन का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए वो भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में ठीक है अगली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल सारे सिखा दूंगा आपको <coughs> अभी के लिए जिसको आता है बता दो नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं भाई ये लाइक टू हंड्रेड प्लस कर दो सौ प्लस तो पहुँचा ही दिया करो लाइक ठीक है थोड़ा देखने में अच्छा लगता है चलो बिल्कुल जी बताइए जल्दी कौन सा नंबर डिविजिबल होगा देखो इलेवन का डिविजिबिलिटी रूल तो मैं यहीं आपको बता देता हूँ इलेवन का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है इलेवन का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ समेद सेफी भाई बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा जैद बिल्कुल जी बिल्कुल सही डिविजिबिलिटी रूल ऑफ इलेवन लिख लेना भाई जो भी नया स्टूडेंट है या फिर जो नोट्स बना रहे हैं वो लिख लेना डिविजिबिलिटी रूल ऑफ इलेवन ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए वरना आपको हर एक ऑप्शन को डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा ठीक है ये क्या कहता है इलेवन का डिविजिबिलिटी रूल सम ऑफ डिजिट एट ऑल्ड प्लेसेस भाई ओल्ड प्लेस पे जो डिजिट लिखी है उनका सम कर दो ठीक है और सम ऑफ डिजिट सम ऑफ डिजिट्स एट इवन इवन प्लेसेस, प्लेसेस पर जो लिखी है उनका सम कर दो ठीक है और सम करने के बाद डिफरेंस डिफरेंस यानी कि अंतर और लास्ट में करना इलेवन से डिवाइड इलेवन से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट दो बचने चाहिए रिजल्ट दो बचने चाहिए भाई, या तो जीरो और या फिर मल्टीपल ऑफ इलेवन तो आपका नंबर डिविजिबल होगा इलेवन से ठीक है तो यहाँ चेक करना भाई देखो सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस ये ओड प्लेसेस पर है टू ये दो दो चार दो छ और दो आठ ठीक है एट माइनस अब बचा क्या भाई ये दो दो चार दो छ और ये दो आठ एट माइनस एट ये हो गया आपका जीरो रिजल्ट या तो जीरो आए या फिर इलेवन का मल्टीपल आए दोनों ही केस में नंबर डिविजिबल होगा इलेवन से तो यहाँ करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट है आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन कौन सा प्राइम नंबर नहीं है भाई यहां आपको थ्री का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कौन सा प्राइम नंबर नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर कौन सा प्राइम नंबर है सॉरी चार ऑप्शन आपके सामने है प्राइम नंबर आपने अभी पढ़े हैं आपसे पूछ रहा है पी बाई क्यू का मीनिंग क्या होता है पी बाई क्यू का मीनिंग होता है भाई फ्रैक्शनल फॉर्म आप बोल सकते हो एक तरीके से कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सके मयंक मान जी मयंक मान नाम से जो भी स्टूडेंट है भाई ठीक है यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म जो है कौन सा प्राइम नंबर है इनमें से तो सी करेक्ट होगा भाई देखो यहाँ पर तो डिजिट का सम नाइन हो गया तो ये थ्री से डिविजिबल है ठीक है ये भी थ्री से डिविजिबल है तो ये दोनों तो प्राइम हो ही नहीं सकते क्योंकि तीन से डिवाइड हो गए ये आपका डिवाइड नहीं होगा किसी से भी ठीक है वन सेवेंटी नाइन से ही डिवाइड होगा चलो तो आओ अगले पर बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन फिफ्थ कौन सा पेयर इनमें से को प्राइम है को प्राइम भी आपने अभी पढ़ा है बताओ जरा दिमाग लगा के कौन सा पेयर को प्राइम है विच ऑफ द गिवन पेयर्स इज अ को प्राइम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दिया करो आप लोगों को बताया है बहुत बार ठीक है क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा आप किसका आंसर बोल रहे हो अरुण मित्तल जी हो जाएगा भाई टू सिक्सटी टू आउट ऑफ थ्री हंड्रेड सैनिक स्कूल झांसी झांसी लिखना चाह रहे हो क्या जान हाई जनरल कैटेगरी हो जाएगा भाई फिफ्थ का ए कौन सा को प्राइम पेयर है ये आपसे पूछा है देखो को प्राइम के लिए आप सभी को बताया था भाई को प्राइम के लिए एक बात तो हमेशा अपने दिमाग में रख लो जहां भी आपको ये दो वर्ड देखने को मिलेंगे को प्राइम आपके दिमाग में चलना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन को प्राइम देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए को प्राइम देख के एच सी एफ वन आना चाहिए दिमाग में कि आना चाहिए ठीक है फोर और नाइन इन दोनों का एच सी एफ क्या है भाई वन आ रहा है देखना और कोई ऐसा प्राइम फैक्टर है या फिर ऐसा कोई फैक्टर वन के अलावा जो दोनों को डिवाइड कर सके कॉमन ठीक है कॉमन फैक्टर ऐसा है और कोई भाई सिक्स और नाइन का तो कॉमन फैक्टर थ्री हो जाएगा ठीक है यहाँ फोर हो जाएगा ठीक है यहाँ भी थ्री हो जाएगा तो ये तीनों तो हो गए भाई खत्म ऑप्शन पहला ही ठीक होगा फोर कॉमन नाइन क्योंकि यहाँ से एच आता है जी वन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन आपके सामने नाइन की डिविजिबिलिटी का चलो जी क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है और बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए भाई व्हाट वैल्यू मस्ट बी एडेड सो दैट द नंबर टू थ्री फोर फाइव इज डिविजिबल बाय नाइन अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट लगेगा आप अब इसको एक बार सोल्व कर लो ठीक है तब तक मैं आपको एक ये दो कंसेप्ट लिखा देता हूँ डिविजिबिलिटी के भाई डिविजिबिलिटी के दो कंसेप्ट होते हैं भाई डिविजिबिलिटी के दो कंसेप्ट हैं पहला क्या है जी और दूसरा क्या है जी पहले वाला देखो पहला कंसेप्ट क्या है पहले वाले कंसेप्ट में हम क्या करते हैं डिविडेंड में डिविडेंड में प्लस किया जाता है किसके को डिवीजर और रिमाइंडर के डिफरेंस को डिवीजर माइनस रिमाइंडर ठीक है तो दूसरा कन्सेप्ट क्या है भाई डिविजिबिलिटी का डिविजिबिलिटी से बात चल रही है कंप्लीटली डिविजिबल नंबर की दूसरा कंसेप्ट होगा डिविडेंट माइनस रिमाइंडर डिविडेंड माइनस रिमाइंडर ये दो केस है भाई दोनों आपको पता होने चाहिए दोनों केस आपको पता होने चाहिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरी बात अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो ऐड किया जाए तो आंसर होगा ये देखो अगर पूछे नंबर एडेड कि कौन सा नंबर एड किया जाए तो आंसर होगा ये अगर पूछे नंबर सब्ट्रैक्टेड तो आंसर होगा रिमाइंडर नंबर सब्ट्रैक्टेड इसके क्वेश्चंस भी कल करेंगे कल की क्लास में ठीक है अगर पूछे नंबर सब्ट्रैक्टेड तो आंसर होगा रिमाइंडर अगर पूछे नंबर एडेड तो आंसर होगा डिवीजर माइनस रिमाइंडर ठीक है और अगर पूछे स्मॉलेस्ट नंबर अगर क्या पूछे स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपसे पूछता हो स्मॉलेस्ट नंबर तो येलो वाले मार्कर से जो लिखा है वो लिखना स्मॉलेस्ट नंबर जब भी पूछा जाए तो तरीका ये होगा और ग्रेटेस्ट नंबर में तरीका ये यूज होगा तो यानी कि यहाँ से चार क्वेश्चन बन सकते हैं अगर मैं बनाऊँ तो चार क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे ठीक है चार क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कल की क्लास में करेंगे ये सब डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कह रहे हो आर्यन कुमार ये नया बैच है क्या हाँ बिल्कुल नया बैच चल रहा है आर एम एस के लिए नया बैच चल रहा है प्रैक्टिस भी करेंगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे भी ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या लगेगा यहाँ पर अब मुझे ये बता दो जल्दी यहाँ पर क्या लॉजिक लगा इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या है क्या ऐड कर दे इस नंबर में के नाइन से डिवाइड हो जाए कौन सा टॉपिक सॉरी कौन सा केस लग रहा है यहाँ पे डिविजन माइनस रिमाइंडर का हम मुझे बात नहीं समझे भाई यहाँ पर कह रहे ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है ऐड कर दे टू थ्री फोर फाइव में कि वो नाइन से डिविजिबल हो जाए क्या करना आपको नाइन से डिवाइड कर देना आपको किस को टू थ्री फोर फाइव को लो कर देते हैं भाई जल्दी जल्दी डिवाइड ठीक है ये चला गया नाइन टू एटीन और ये हो गया फिफ्टी फोर और ये आ गया आपका नाइन सिक्स फिफ्टी फोर ठीक है ऊपर से आया फाइव जीरो जीरो और फाइव ठीक है तो रिमाइंडर देखो क्या बचा रिमाइंडर फाइव बचा है नहीं बचा है फाइव दिख रहा है आप सभी को तो मैंने बताया आपको जब भी ऐसा नंबर बताना हो जो ऐड किया जाए तो आंसर होगा डिविजर माइनस रिमाइंडर ठीक है आयुष चप्राना बिल्कुल सही भाई बिल्कुल सही जवाब आयुष जी वेरी गुड आयुष जी तैयारी मत छोड़ देना ठीक है तैयारी करते रहना सेम टाइम टेबल के साथ एक टाइम टेबल बनाना जिसमें मैथ के कम से कम पांच घंटे तो होने चाहिए चार से पांच घंटे मैथ और रीजनिंग के आयुष जी और जीके के भी कहने का मतलब है अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाओ कि आठ से नौ घंटे हो आपके पढ़ाई पढ़ाई के तो आंसर हो जाएगा भाई नाइन माइनस फाइव यानी कि फोर करेक्ट आंसर होगा डी ये जो समझाया बोर्ड पे ध्यान रखना ये डिविजिबिलिटी के चार क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से ठीक है चलो जी अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट है आपके सामने अगला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अब ये भी सब जानते होंगे क्वेश्चन प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन प्लेस वैल्यू भी आप सभी जानते होंगे भाई और फेस वैल्यू भी आप सभी जानते होंगे प्लेस और फेस क्या होता है ये भी बड़ा इजी टॉपिक है भाई नाइन की प्लेस वैल्यू बतानी है देखो नाइन कहाँ ये रहा नाइन ठीक है नाइन लिखा और जितनी भी डिजिट है बाद में जितनी भी डिजिट है सबके आगे जीरो बना दिया जीरो पहले से ही है सिक्स का भी जीरो कर दिया सेवन का भी जीरो कर दिया फाइव का भी जीरो कर दिया तो करेक्ट आंसर हो गया नाइनटी थाउजेंड विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन सी ठीक है ये नाइन की प्लेस वैल्यू हो गई और फेस वैल्यू क्या होती इसकी अगर यहां लिख देता फेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होगी तो फेस वैल्यू नाइन की नाइन ही होगी ठीक है ये भी सभी जानते होंगे आप लोग उम्मीद कर रहा हूं सभी को आता होगा ये बेसिक तो बिल्कुल चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट है आपके सामने एट्थ क्वेश्चन लो जी एट क्वेश्चन कंसेप्चुअल है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है पढ़ो एक बार और सोचो दिमाग लगाओ क्या आंसर होना चाहिए भाई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सोचो ध्यान से पढ़ो एक बार <coughs> पढ़ो एक बार जल्दी जल्दी सम ऑफ टू नंबर्स इज एक्स वन ऑफ देम इज वाई नंबर दूसरा नंबर क्या होगा और ये बिल्कुल स्टार्टिंग में देखो नंबर वाला टाइप ये भी नंबर सिस्टम का है ये भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में अभी के लिए इसको समझ लो भाई मान लिया दो नंबर थे देखो दो नंबर थे दोनों का सम क्या दे रखा है <coughs> दोनों का सम एक्स दे रखा है उनमें से एक नंबर वाई है एक की जगह क्या लिख दो वाई लिख दो लो फर्स्ट प्लस इक्वल्स टू एक्स तो यहाँ से फर्स्ट क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई क्या आंसर हो गया भाई कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है आपका आंसर सी ऑप्शन के अंदर एक्स माइनस वाई इज द करेक्ट आंसर ये आपका करेक्ट आंसर होगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था आसान सा बिल्कुल बहुत अच्छे हिरम वेरी गुड करेक्ट आंसर है देखो फिर कह रहा हो भाई किसी को इग्नोर नहीं कर रहा कभी आप सोचो कि सर इग्नोर कर रहे हैं मेरा नाम नहीं ले रहे एट ऐटरेंडम जो भी नाम दिख जाता है मैं बोल देता हूँ ठीक है वैसे नाम बड़ी तेजी से चल रहे हैं आपके आप लोग बहुत ही एक्टिव हो क्लास में जवाब दे रहे हो आप लोग चलो ठीक है अगले क्वेश्चन पर आइए नेक्स्ट है आपका नाइन नाइन्थ क्वेश्चन है आपका पढ़ना एक बार ध्यान से अच्छा क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन इलेवन विल नेवर एंड विद ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन से ज्यादा करोगे तो ज्यादा अच्छा है हिमांशु जी क्या कह रहे हो सर सिक्स क्लास की पढ़ाई हाँ बिल्कुल सिक्स की पढ़ाई चल रही है भाई अरे पढ़ाई तो पढ़ाई होती है भाई सिक्स हो नाइन्थ हो क्या हो सब एक है हाँ जो आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल उसमें आपके काम आएगा ठीक है उस एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगा आपके हिमांशु जीत क्या है आंसर फाइव चलो जी देखो भाई प्राइम नंबर इलेवन से बड़ा ग्यारह से बड़ा प्राइम नंबर कभी भी एंड नहीं होगा किस किस से देखो नेवर एंड विद नेवर कभी भी खत्म नहीं होगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखो फाइव अगर फाइव आ जाता है लास्ट डिजिट फाइव अगर हो जाए तो वो फाइव से डिविजिबल हो जाएगा तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इस कंडीशन इस में ठीक है क्योंकि देखो ग्यारह से बड़ा प्राइम नंबर तो आपका सेवनटीन ही होता है फिर नाइनटीन हो जाएगा ठीक है नाइनटीन में भी नाइन आ गया सेवन आ गया वन किस में आ जाएगा थर्टी वन में आ जाएगा लो तो ये बात ध्यान रखना बासु जी हो गई हाई एल ठीक है हो गई हाई एल लो बस कितना वो करोगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाओ जल्दी अगले वाला क्वेश्चन पढ़ो ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है द नंबर्स पी पी प्लस टू पी प्लस फोर ऑल आर प्राइम नंबर्स देन पी इज इक्वल टू यहां देन होना चाहिए एफ तो की जगह तो पी की वैल्यू क्या होगी ये भी ऑप्शन से करना एक हिंट दे देता हूँ ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा अच्छा है ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा अच्छा है ठीक है बताओ जल्दी क्या होना चाहिए आंसर कृष्णा नेगी वेदांश आदर्श हिरंब ये कह रहे हो चलो देखते हैं भाई भाई दो तीन स्टूडेंट नहीं दिखाई दे रहे कहाँ है अवनीत अवनीत सिंह अरनवार सरदार और अनिरुद्ध अनिरुद्ध सिंह कुछ बच्चे क्लास में दिखाई नहीं दे रहे कहाँ है बड़े दिनों से तनुष चौहान जी तो प्रेजेंट है बहुत अच्छे तनुष ए आंसर कह रहे हो चलो भाई ए ही सही होगा बिल्कुल सही कह रहे हो पी पी प्लस वन पी प्लस फोर देखो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा अच्छा है भाई देखो अगर आपके पास तीन नंबर है एक तो पी है एक पी प्लस टू है और एक पी प्लस फोर है आपने उठाया पहला ऑप्शन <coughs> पहला ऑप्शन आपने उठाया पी की जगह रख दिया थ्री थ्री प्लस टू कितना हो गया फाइव और थ्री प्लस फोर कितना हो गया सेवन ये तो तीनों ही प्राइम हो गए तीनों ही प्राइम है तो आपका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन ए थ्री बंसल जी भी दिखाई नहीं दे रहे सुरेंद्र बंसल किस नाम से हो भाई एक तो तुम्हारे आईडी नहीं पता चलती ना बंसल जी प्रेजेंट हो क्लास में एक बार लिख देना अपना नाम आया समझ भाई ये बताओ पहला ही ऑप्शन रखते हैं आंसर आ गया दूसरा रख के देख लो चलो फाइव रखा फाइव प्लस टू सेवन ये प्राइम हो गया फाइव प्लस फोर नाइन तो ये प्राइम नहीं हुआ ठीक है ये कैंसिल अरे अपना नाम तो लिख दिया करो भाई देखो मैं आपके एक्चुअल नेम नहीं जानता हूँ ये जो नाम चल रहे हैं सामने ये शायद आपके एक्चुअल नाम ना हो नाम लिख के प्रेजेंट लिख दोगे तो पता चल जाएगा ठीक है अगर ट्वेंटी नाइन रख दे ट्वेंटी नाइन और टू थर्टी वन ये प्राइम हो जाएगा ट्वेंटी नाइन और फोर ये आपका थर्टी थ्री हो जाएगा ये भी प्राइम नहीं है ऐसे वन नाइनटी वन से ट्राई करना ये भी प्राइम नहीं होगा ठीक है भाई अच्छा अवनीत सिंह प्रेजेंट है चलो बहुत अच्छे अवनीत चलो बहुत अच्छे वेरी गुड अवनीत दोस्त कहा है तेरा आदित्य बालियान जी जय हिंद मिस्टर बालियान जय हिंद भावियां बालियान डाउट है चलो ठीक है तो चलो भाई देखो इसके बाद अब नाइन ओ से भाई आपकी नाइन ओ से रीजनिंग और आठ बजे डेली आपकी मैथ्स मैथ्स और रीजनिंग डेली तैयारी करनी आपकी, है आपकी डेली प्रैक्टिस कराएंगे ठीक है डेली आपकी प्रैक्टिस होगी तो चलिए आज की क्लास में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर वाचिंग और बाय एवरीवन ठीक है और रीजनिंग की क्लास में जुड़ जाना सारे बच्चे रीजनिंग की प्रैक्टिस भी करनी है चलिए गुनिश्का जी बहुत अच्छे गुनिश्का चलिए भाई ठीक है दर्शन जी दर्शन नाम से जो भी है अच्छा बंसल जी भी हैं चलिए ठीक है बंसल जी तो चलिए भाई आज इतना ही साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगली क्लास में